अपने इलाके से खास वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक क्लिक कीजिए। बहुत सारा दिक्कत होती है नालियों से, हम लोगों को खाना दुश्वार हो जाता है। और मतलब इस समय तो कुछ हवा चल रही है तो गंदगी नहीं आ रही है, लेकिन बरसात में बहुत ज़्यादा पानी ऊपर हो जाता है और सारे गंदे घर में घुस जाते हैं। हम लोग बहुत सफाई अपने खुद हाथ से करते हैं, इसमें दवा भी डालते हैं ताकि हम लोग बाज़ार से दवा मंगाते हैं इसमें डालने के लिए, और कभी जाँच वाँच से कुछ भी नहीं हुई इस गाँव में। और नाली हम खुद साफ करी थी अपने से, न केहू हमका साफ करे आवे, न केहू को झाका ताका आवे कभो, न सफाई कर्मी आवे, न पंच प्रधान का पूछताछ करे आवे। अपनी गर्ज से ओकन साफ करी थी, बाजार से कीटाणु वाली दवाई ला के हम छोड़ी थी, फिनाइल उनाइल साफ होता। हमारे सब कहीं लड़के यहाँ चौवा हैं, छगड़ी बकड़ी गोरू भैंस बांधी रहा था तो बीमारी फैले, ओमन जौन बाटा डेंगू मच्छर आ जाए हैं, तो हम अपनी गर्ज से अपने लड़कन बच्चन के जाती ओका साफ करत रही थे, गंदगी ना हो पावे। आज अपनी गर्ज से अपने लगे से पैसा बटोर के गिट्टी सीमेंट ला के एक दूठी सीक डाल के ऊपर कर पटिया बंधवाए कि कुछ तो बंद हो जाए, कुछ तो बदबू बंद हो जाए। जानते हैं कब बहनी ना देखा है, ना सफाई करने वाले, ना एक केहू कर्म अधिकारी पूछया कि एक केहू बाय पूछिए क्यों ना पूछया। गंदगी है इससे किस तरह की दिक्कतें होती हैं? इससे बीमारियां होती हैं, ग्राम सभा में जो है फैलती हैं वो मच्छर जनित जो है बीमारियां होती हैं, मलेरिया डेंगू और टाइफाइड और सब सारी यही सब। क्या कभी इस गांव में सफाई कर्मी आए थे? नहीं, सफाई कर्मी कभी नहीं आए। ये नाली गंदी है, इससे किस तरह की दिक्कतें होती है आप लोगों को? अरे बुखार उखार आ जाता है गंदगी की वजह से, कब प्रधान साफ ना करवाए हैं तो कौन साफ करता है? अपने साफ कर लिए थे मेरे साथ। नहीं तो वहाँ सफाई कर्मी करीब एक महीने से उसका स्थानांतरण हो गया, किसी की नियुक्ति नहीं हुई। तो कभी भी वो लोग कह रहे थे कभी भी सफाई कर्मी नहीं आए हैं और खुद ही साफ, लेकिन कभी शिकायत भी तो नहीं किए वो लोग। अभी शिकायत करना चाहिए ना कि अगर नहीं काम हो रहा है किसी गांव, कोई कहीं एकाध दो गांव में शिकायत जाती है, पता नहीं लोग क्या करते हैं, काम नहीं करते हैं, करते हैं क्यों शिकायत नहीं आती है।